कल वाले प्रोग्राम में कितने साथी थे? वाओ, बहुत बड़ी संख्या थी, बढ़िया रहा कार्यक्रम। अगली एनिवर्सरी में आप वहां पे बैठेंगे या स्टेज पे आने वाले हैं? कितने लोगों ने निर्णय लिया है? तैयार है? तो आज का जो ये टॉपिक है जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, ये आपके बहुत काम का है। लीडर्स लीड विद एग्जाम्पल। लीडर पहले अचीवमेंट करता है, किसी काम को करके दिखाता है और फिर अपनी टीम को लीड करता है। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं यहां से देख पा रहा हूं बहुत सारे लोगों के पास में डायरी है, पेन है। ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। नोट कीजिए चीजों को और आगे जाके, क्योंकि ये चीजें आपको आगे जाके सिखानी है। दो चीजों हैं, एक है ट्रेडिशनल बिजनेस और एक है डायरेक्ट सेलिंग। मार्केटिंग प्लान में भी हम इसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं, कंपैरिजन दिखाते हैं। दोनों को अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। सहमत है मेरी बात से? आप ट्रेडिशनल बिजनेस, जो परंपरागत व्यापार है, वहां की जो सोच है उसके अनुसार डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इसको अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो हमारे पुराने बिजनेस व्यापार हैं, तो एक व्यक्ति को बता दिए तो आपकी बर्बादी तय है। हेलो, क्योंकि वो व्यक्ति आपके बगल में दुकान खोल लेगा, फैक्ट्री लगा देगा और कंपटीशन खड़ा कर देगा आपके लिए। लेकिन हमारे आर्टिसन बिजनेस में अगर आपने अपनी कामयाबी के राज अगर छुपा लिए, डाउनलाइन को और लोगों को नहीं बताए, तो आपकी बर्बादी तय है। आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं जा पाएंगे। तो दोनों में बड़ी तुलना है और हमारे पास में जो अनुभव है या जो हमने देखा है वो ट्रेडिशनल बिजनेस को ही देखा है। यस और नो? तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो लोग काम करते हैं, उनका जो तरीका रहता है, जो बातचीत रहती है, जो व्यवहार रहता है, गलती से हम चूंकि वही जानते हैं, इसलिए उसको नेटवर्क में भी अप्लाई कर लेते हैं। नेटवर्क में भी वैसा करना शुरू करते हैं तो हमें परिणाम नहीं मिलते। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, बड़ी शानदार कहानी है। एक व्यापारी थे, उनकी अपनी दुकान थी। बचपन से ही उन्होंने दुकान पे बैठना शुरू किया, पूरी जवानी दुकान में बैठे रहे और धीरे धीरे वृद्धावस्था ही दुकान पे हर रोज जाते थे। एक ऐसी स्थिति आई कि दुकान पे जाने लायक नहीं रहे, लेकिन चैन नहीं रहता था, उनको सुकून नहीं मिलता था दुकान से जाए बिना। डॉक्टर ने कहा कि घर से बाहर नहीं निकलना और आखिर मरणासन वाली स्थिति में पहुंच गए। और जब व्यक्ति मृत्यु के नजदीक होता है तो सारे परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, नहीं होते हैं? तो उनका भी सारा परिवार इकट्ठा हो गया। वो बड़ी मुश्किल से एक आध बात बोलते, कभी आंख खोलते नहीं तो लेटे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि रामलाल कहाँ है? रामलाल उनके बड़े बेटे का नाम था, वो पास में था। बोला पिताजी मैं यही हूं। थोड़ी देर लाल के बाद बोला कि श्यामलाल कहाँ है? तो श्यामलाल बीच वाला बेटा था, वो बोला पिताजी मैं यही हूं, कुछ चीज की आवश्यकता है तो बताइए, किसी से मिलने का मन कर रहा है। थोड़ी देर बोले कि नंदलाल कहाँ है? तो नंदलाल छोटे वाला था, वो बोला सर पिताजी मैं भी यहीं पे हूं। बोले जब सारे यहां पे हैं तो दुकान पे कौन है? दुकान को कौन संभालेगा, दुकान कैसे चलेगी? और एक दिन दुकान नहीं चली तो कितना नुकसान हो जाएगा, ग्राहक मोतीलाल के पास भाग जाएंगे सारे के सारे। तो ट्रेडिशनल बिजनेस का डिजाइन ऐसा है कि वहां जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप वर्किंग में नहीं रहेंगे, वो बिजनेस आपका नहीं चल सकता। राइट सर? आज से बिजनेस का डिजाइन कुछ इस प्रकार का है, ये बिजनेस तब चलेगा
जब आप काम नहीं करेंगे, आपके नए काम करने से ये ज्यादा चले, उस स्थिति में अगर आप बिजनेस क्रिएट करेंगे तो आप इस बिजनेस के बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे। और उसका एक परफेक्ट एग्जांपल हमारे सामने है। कल मॉर्निंग के सेशन में हमने रवि शर्मा जी को स्टेज से देखा। रवि शर्मा के पिताजी ओम प्रकाश शर्मा जी ने इस बिजनेस को शुरू किया। जब वो इस बिजनेस में एक्टिव थे, जिस लेवल पे वो थे, उनके रहने के बाद उन्होंने कई सारे लेवल्स को बदला और वो इस बिजनेस के बड़े लेवल पे, रवि शर्मा उनकी जगह बिजनेस में स्टार डायमंड पे हैं। तो वो तब स्टार डायमंड बने जब रोपी शर्मा इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। तो आज हम उसी चीज पे बातचीत करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे काम करने की तो छोड़ दीजिए, हमारे न रहने के बाद, ये दुनिया छोड़ के जाने के बाद भी हमारा बिजनेस का लेवल पिनों के साइज चेंज होते रहे। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? बैलकनी वाले भी चाह रहे हैं, उधर बॉक्स में कुछ वीआईपी बैठे हैं वो भी चाह रहे हैं। चलो जागने वीडियो मुझे। आपके लिए मैं एक अच्छी खबर सुना देता हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इसका लगभग 20% लोग, 1,000-1,500 लोग बाहर बैठे हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि टिकट और पास तो ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन आपने पहले प्लानिंग किया, इसलिए आप सही जगह कंफर्टेबल बैठे हुए हैं। सो आरसीएम लीडर वाला एटीट्यूड लाना चाहते हैं, डायमंड के तरीके से काम करना चाहते हैं। हमेशा एक चीज याद रखिए, हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। वी आर इन ए डुप्लीकेशन बिजनेस। एक ऐसा काम है, इस काम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जो आप करेंगे वो आपकी टीम करेगी, जो आप कहेंगे वो नहीं करेगी टीम। हेलो, जो आप कहेंगे या मैं कहूंगा वो टीम नहीं करेगी। जो काम मुझे टीम करते हुए देखेगी वो वही काम करने लग जाएगी। तो कोई भी काम करें, किसी से बातचीत करें, किसी से व्यवहार करें, खाएं पिएं चलें उठिए बैठें कुछ भी करें, हमेशा ये ध्यान रखिए कि हम कौन से बिजनेस में हैं। डुप्लीकेशन के बिजनेस में है, जैसा मैं करूंगा वैसा ही काम मेरी टीम करने लग जाएगी। इसीलिए मैंने अपने हर काम को बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ के करने की आवश्यकता है। अगर आप गुस्सैल किस्म के आदमी हैं और आप डाउनलाइन से बात करते हुए उसको डांटते हैं, हेलो, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन डाउनलाइन को ये बोलते हैं कि भाई डाउनलाइन से प्यार से बात करनी चाहिए, तो डाउनलाइन क्या करेगी? जो आपने बोला वो नहीं सुनेगी, जो आपको उन्होंने करते हुए देखा वो भी नहीं करेगी, अभी तो उससे बढ़ के करेगी। आप अगर डाउनलाइन को डांटते हैं तो आपकी डाउनलाइन अपनी डाउनलाइन को थप्पड़ मारना शुरू कर देगी। उनको ये लगेगा कि इस तरीके से बिजनेस बढ़ता है, मेरे क्लाइंट डांटते हैं मैं उनसे एक स्टेप आगे करता हूं, और उनकी डाउनलाइन वैसा नहीं करेगी, वो साथ में बंदूक लेके चलेगी और बंदूक तांदने की बात बात पे अगर ये काम नहीं किया, अगर मीटिंग में 100 आदमी नहीं आए तो देख लेना फिर। राइट सर? और डुप्लीकेशन का ये नियम है, अच्छा काम, कौन सा काम? अच्छा काम, अच्छा डुप्लीकेशन 100% नहीं होगा, वो 70-80% ही होगा, लेकिन जो गलत काम है, जो बुरा काम है, वो 100% नहीं होगा, वो 150-200% होगा। राइट? स्पेशली जब भी कोई ऐसा काम है आपको बड़े ध्यान से करना है जो बिजनेस में सही नहीं है। राइट? ये बात ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखनी है, हमेशा।
ये एक सज्जन है आपके सामने, इनका ये बड़े प्रसिद्ध हैं, अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन रहे ये, कई सारे कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए। इनका नाम है जे पॉल गेटी। मिलेनियर बने, इन्होंने दुनिया को चार सिद्धांत दिए, बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने कि मिलेनियर कैसे बना जा सकता है, करोड़पति कैसे आप बन सकते हैं, जानना चाहते हैं आप? इन्होंने चार सिद्धांत दिए और अच्छी बात यह है वो चारों सिद्धांत हमारे बिजनेस पे लागू होते हैं। इन्होंने पहला सिद्धांत दिया कि अगर आपने बिलेनियर बनना है तो आपने अपना खुद का व्यवसाय करना पड़ेगा। किसका व्यवसाय? खुद का, अपना। और आरसीएम किसका व्यवसाय है? अपलाइन का तो नहीं है? जिनको लगता है कि अपलाइन का है, अपलाइन को फायदा जाएगा, तो वो इस बिजनेस में टिक नहीं पाते क्योंकि वो इसको अपना नहीं मानते हैं। राइट सर? तो हम अपने बिजनेस में हैं, हमारा सबका अपना अपना बिजनेस है। जहां से हम शुरू होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। राइट सर? ये एटीट्यूड है ना आपका। दूसरा इन्होंने एक और सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा कि आपके पास जो प्रोडक्ट हो, बिजनेस तो हो गया, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट डेली यूजेबल होना चाहिए, हर रोज इस्तेमाल वाला होना चाहिए। अगर आप ऐसे किसी धंधे में हैं कि एक बार अगर इस्तेमाल कर लिया और फिर आगे छुट्टी जरूरत ही नहीं है 10 साल 5 साल, तो वो बिजनेस आपको बिलेनियर नहीं बनाएगा। तो हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं सर? डेली यूज के हैं। पहले तो हमारे प्रोडक्ट ऐसे होते थे जो 10 दिन 20 दिन 1 महीना चलते थे, नहाने की साबुन थी, टूथपेस्ट था, कपड़ा था, सालों तक आपको आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और आज तो हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रीचार्ज बोलता है कि एक टेबलेट तो डेली लेनी लेनी है। गुड डोट उठ से ऊपर बढ़ के आ गया कि भैया ये बिरयानी खाओ, सुबह भी खाओ और शाम को भी खा सकते हो ट्रेवलिंग में हो तो उस प्रकार के कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं जिसकी हर दिन में कई बार आवश्यकता पड़ती है। राइट सर? तीसरा सिद्धांत जो जयपाल गेटी ने दिया वो दिया, इनकम शुड बी कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। आपको जो पैसा मिल रहा है ना वो एक जगह से नहीं मिले, वो अलग अलग जगह से मिले। ये हमारे बिजनेस पे इस प्रकार से एप्लीकेबल है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, आपका नेटवर्क है, बहुत सारी जगहों पे है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास में, कोई एक प्रोडक्ट नहीं है कि आपने सिर्फ टूथपेस्ट ही बेचना है या आपने पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पे काम करना है। यानी हमारा एरिया बहुत बड़ा है, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास में है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये भी हमारे बिजनेस पे लागू होता है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जयपाल गेटी ने बोली है वो ये है कि बाप का जो बिजनेस मॉड्यूल है, जो आपका काम करने का तरीका है, वो इस प्रकार का हो कि वो डुप्लीकेबल हो जाए। जो काम आप कर रहे हैं वो काम दूसरे लोग भी जिस दिन करेंगे तो आपके बिलेनियर बनने की संभावना है। अगर जिंदगी भर सिर्फ आप ही काम करें, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सके, आपका स्थान कोई नहीं ले पाए, अगर ऐसे किसी काम में आप आ जाएंगे, फिर आप एक अच्छे नौकर तो बन सकते हैं लेकिन एक बिलेनियर नहीं बन सकते। जयपाल गेटी ने यह बात शायद आज से 70 साल पहले लिखी थी, यह आज भी लागू होती है सर, आरसीएम पे लागू होती है। चलिए आज हम इसी विषय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरत है कि हम अपने जैसे लोगों को तैयार करें? डायरेक्ट सेलिंग का जो हमारा बिजनेस है आरसीएम बिजनेस, ये बिजनेस सुपर हीरोज के लिए डिजाइन नहीं किया है। हेलो, इसका डिजाइन इस प्रकार से नहीं है कि इस बिजनेस में वही व्यक्ति कामयाब होगा जो हीरो की तरह काम कर सकता है। आरसीएम बिजनेस में जिनका एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिनको हम एजुकेशन के गुरु मानते हैं, सतीश पंडित जी की एक बड़ी फेवरेट कोटेशन है,
उनकी ऑडियोज में आपको मिल जाएगी। पंडित जी ने ये कहा है कि आरसी मैनस की खासियत है कि जब कोई व्यक्ति इसको ज्वाइन करेगा वो हीरो जैसा दिखेगा नहीं। हेलो, जब कोई व्यक्ति इसको ज्वाइन करेगा वो हीरो जैसा दिखेगा नहीं, लेकिन वो अगर इस बैनर्स में टिक गया ये बैनर्स उसको हीरो जैसा बना देगा। तो हम हीरो बनना चाहते हैं इस बैनर्स के, यस। तो ये मान के चलिए कि ये बैनर्स आम लोगों का बैनर्स है, सामान्य व्यक्ति का बैनर्स है, तो इसका तरीका भी ऐसा सामान्य हो कि हर आदमी उसे आसानी से इस्तेमाल कर सके, आसानी से उन कामों को कर सके। ये चार्ट देखिए सर आप, इस चार्ट में आपकी परफॉर्मेंस आप दिखा सकते हैं। ये बिंदु आपको नजर आ रहा है, यहां पे तो आ रहा है, ये बहुत लाइट है, देखिए रहा है। जब आप यहां से काम करते हैं तो आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं, और एक दिन आपकी जो क्षमता है वो पीक पे पहुंच जाती है। अभी इंडिया क्रिकेट में आवाजें लग रही कि धोनी को रिटायर कर दो। हेलो, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने देश के लिए बड़ा काम किया, लेकिन वो अपनी पीक पे पहुंच गए। एज अपना असर दिखाती है, दूसरी चीजें असर दिखाती हैं। तो कोई भी काम है, हर काम में व्यक्ति एक बार अपनी पीक पे पहुंचता है, और जब वो पीक पे पहुंच जाता है तो पीक पे पहुंचने के बाद वो फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है, उसका नीचे का क्रम शुरू हो जाता है। और जब नीचे का क्रम शुरू होता है तो अगर वो व्यापार में है तो व्यापार आगे बढ़ेगा या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, इट डज नॉट मैटर हाउ मच ऑफ ए ग्रेट लीडर यू आर, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी लीडर्स यू क्रिएट। आपकी सफलता इस पर निर्भर नहीं है कि आप कितने अच्छे लीडर हैं, कितने अच्छे वक्ता हैं, कितने अच्छे रिटेलर हैं, कितने अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी सफलता इस चीज पे है कि आपने अपनी टीम में कितने अच्छे वक्ताओं को तैयार किया है, कितने अच्छे रिटेलर को तैयार कर दिया है, और कितने अच्छे इंसानों को तैयार कर दिया है। आप ज्यादा चौड़े होके मत घूमिए कि आप तो बड़े महान हैं। हेलो, आपकी महानता कब आंकी जाएगी? जब आपकी टीम में आपने अपने जैसे लोगों को तैयार किया है। आप ज्ञानी बन जाएंगे, बहुत सारी किताबें रट लेंगे, तो उस योग्यता की कीमत सिर्फ इतनी है कि किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाएंगे और लाख डेढ़ लाख रुपया मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। लेकिन जो ज्ञान आपके अंदर है, जो चार किताबें आपके अंदर हैं, वो चार किताबें अगर आपने अपनी टीम में हजार लोगों के अंदर उतार दी, फिर आप आरसी मैनस के डायमंड बन जाएंगे। तो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कीजिए, वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ में जरूरी कीजिए अपने आप को चेक कीजिए कि मैंने अपने जैसे कितने लोगों को अब तक तैयार किया है। आप ईमानदारी से सोचिए, यहां से जाने के बाद अगर आप एक महीना हॉस्पिटल में एडमिट रह जाएं, कितने महीने? एक महीना हॉस्पिटल में एडमिट, आईसीयू में पड़े हैं, तो अगले महीने क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा? अगर आपको लगे कि आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो आपका ट्रैक सही नहीं है, आपका तरीका सही नहीं है, आपने उस तरीके को अपनाना पड़ेगा। नया बिजनेस है, आप शुरुआती दौर में है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप एक सीनियर लेवल पे हैं, उसके बावजूद अगर आपके बिना ये बिजनेस नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं अपने अपने काम करने के तरीके को चेक करने की आवश्यकता है। राइट सर, ये नीचे लाइन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट, रिमेंबर लीडर्स विल सस्टेन योर बिजनेस नॉट फॉलोअर। आपकी टीम में जब लीडर बनेंगे
या लीडरशिप क्वालिटी वाले लोग आएंगे तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। और बहुत बार यह भी होता है जब लीडरशिप क्वालिटी के लोग हमारे बीच में आते हैं, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उनके अलग विचार हो सकते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, और अगर आपकी उनके साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी चीज पे सहमति नहीं बनी, तो आप ये मत सोचिए कि ये तो पता नहीं कहां से आ गया और ये छोड़ के चला जाए तो बढ़िया है, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, मेरी बात ही नहीं सुनता है, मेरी बात ही नहीं मानता है। हेलो, जिस दिन लीडर्स आपकी टीम में आएंगे, लीडर्स को देखिए, डील करना, उनको साथ में लेके चलना थोड़ा मुश्किल है। पानी पानी पिला। हेलो, एक और कहावत है, मूर्ख लोगों को साथ में इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनको साथ में लेके चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बुद्धिमान लोगों को, लीडरशिप क्वालिटी वाले लोगों को साथ में लेके आना मुश्किल है, इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन उनको साथ में लेके चलना बड़ा आसान है। अच्छे संबंध बनाइए, उनको साथ में लेके चलिए, क्योंकि वही लोग आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है, वो आपको सबसे पहले डुप्लीकेट कर पाएंगे। डुप्लीकेशन की जो शुरुआत है, अगर आपके समझ में आ गया कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कितने लोगों की समझ में आ गया? पक्का? अगर आपके समझ में आ गया तो अपने बाप ने पंगा ले लिया है सर। क्या ले लिया है? और पंगा ये ले लिया है कि अब आपने आज के बाद अच्छा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अच्छा बनना पड़ेगा। इसलिए अच्छा बनना पड़ेगा क्योंकि डुप्लीकेशन आपका होना है। और अगर मास्टर कॉपी में ही गड़बड़ी है तो फोटो कॉपी कैसे निकलेगी? बढ़िया निकल जाएगी क्या? दुनिया की बड़े से बड़ी जीरोक्स मशीन भी, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी भी अभी ऐसी नहीं आई है कि मास्टर कॉपी से बढ़िया फोटो कॉपी निकाल दे। अब आप और मैं, हम इस बिजनेस में मास्टर कॉपी हैं, ये एक मशीन है, सिस्टम है, आरसे बिजनेस है, एजुकेशन है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम की लीडरशिप आपके साथ में है, तो ये काम करेगी। और काम करने के बाद में नीचे फिर जो चीज बनेगी वो क्रिएट होगी आपकी कॉपी, जिसे हम डाउनलाइन लीडर्स बोलते हैं, राइट? तो आपने अपने आप को बेहतर करना है आज के बाद में। डाउनलाइन को बेहतर नहीं करना, पहले किसको बेहतर करना है? अपने आप को बेहतर करना है। दो तीन बिंदु हैं ये इंपॉर्टेंट। और बेहतर क्यों करना है? ऑलवेज रिमेंबर, वी आर इन ए डुप्लीकेशन बिजनेस, क्योंकि हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। अगर आपके किराना की दुकान होती, हेलो, फिर बेहतर करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर पेट यहां तक आ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई ग्राहक ये नहीं देखता कि लाला जी का पेट कितना बड़ा है, फिट है या नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में अगर आप हैं तो आपने अपने आप को फिट करने की भी जरूरत पड़ेगी, अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को, सारी चीजों को फिट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग कौन से बिजनेस में हैं सर? कौन से बिजनेस में हैं? डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। और तीन पिलर्स हैं जो क्वालिटी डुप्लीकेशन के लिए, हमने क्वालिटी चीजों को डुप्लीकेट करवाना है, तो देर आर थ्री पिलर्स। फर्स्ट पिलर्स है योर क्वालिटीज, आपकी जो क्वालिटीज हैं। एक लीडर में बहुत सारे गुण होने चाहिए, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन कुछ चीजों की हम बातचीत कर रहे हैं। हैव ए पावरफुल विजन, आपके पास में आज से बिजनेस को लेके पावरफुल विजन है क्या?